हेलो एवरीवन, श्री राधे राधे। आज हर षष्ठी का व्रत है तो मैं आज व्रत हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। और आइए अब मैं पूजा पाठ के बारे में आप लोग को दिखाती हूँ कैसे हम लोग हर षष्ठी का व्रत करते हैं। आज हर षष्ठी का व्रत हूँ तो अभी चलते हैं नीचे पूजा के लिए। तैयार हूँ मैं, अभी चलिए चलते हैं पूजा देखने। काटे अभी आप सब देख सकते हैं कि पूजा की तैयारी हो चुकी है। अभी हम बस बैठने वाले हैं पूजा में। अभी हम लोग पूजा में बैठ गए थे, कथा मैं ही कहूँगी। वैसे व्रत तो हम तीन ही लोग रहते हैं, लेकिन हमारे बिल्डिंग में जितनी भी महिलाएं हैं ना, सब इस पूजा में शामिल होती हैं, अच्छे से मतलब पूजा पाठ करती हैं। ऐसा नहीं है, जो भी पूजा होता है हम लोग मिलके ही करते हैं। बहुत अच्छा संबंध है घर जैसा। घर का ज़्यादा याद नहीं आता है, जब हम लोग साथ होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे पूरा कथा तो याद नहीं हुआ, 6 कथा होते हैं हर षष्ठी में, लेकिन एक कथा याद हुआ जो मैं आपको सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अचानकपुर गांव में एक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में कई वर्षों से पानी नहीं हुआ था, वर्षा नहीं हो रही थी, तो राजा बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने सभा में एक बैठक बुलाई। अभी बैठक शुरू ही होने वाली थी तो उनके यहाँ आकाशवाणी होती है कि हे राजन, आप अपने पुत्र की बलि देंगे तो आपके राज्य में बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। तब राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा तो एक ही पुत्र है, अगर मैंने अपने पुत्र की बलि दे दी तो मेरा तो वंश ही ख़त्म हो जाएगा। राजा बहुत सोच में पड़ जाते हैं। फिर उनको बाद में एक आइडिया सूझता है, तो सोचते हैं कि अगर मैं अपने पोते की बलि दे दूँगा तो कैसा रहेगा, पोता तो फिर पैदा हो जाएगा। वैसे भी पोता तो अभी 1 साल का ही है, कोई बड़ा भी नहीं है कि ज़्यादा समझ में आएगा। राजा ये सब सोच करके अपनी बहू के पास जाते हैं। बहू उस दिन हर षष्ठी का व्रत रहती है। राजा फिर सोचने लगते हैं कि एक माँ से उसके बेटे को मैं कैसे मांग सकता हूँ, वो भी आज के दिन हर षष्ठी के दिन। कोई भी माँ अपने बेटे को कैसे सौंप सकती है, वो भी बलि देने के लिए। तब तक बहू उनसे पूछ बैठती है, पिताजी आपका कैसे आना हुआ। तो राजा बोलते हैं, बेटा आपकी माँ का तबीयत बहुत ख़राब है, आप तुरंत चले जाइए। तब बहू बोलती है कि पिताश्री, आज के दिन तो हल और जूते चप्पल ज़मीन पे नहीं चलते हैं, फिर मैं कैसे जाऊंगी। तब राजा बोलते हैं कि आप चिंता मत करो बेटा, मैं आपके लिए कहारों की व्यवस्था करवाता हूँ, आप तुरंत चले जाइए और हाँ, अपने पुत्र को यहीं छोड़ के जाइएगा। तो बोलती है, जी पिताजी आप उनको संभाल लेंगे। तो राजा बोलते हैं, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए और सदैव तुरंत जाइए। तो बहू अपनी मायके चली जाती है और वहाँ पहुंचकर अपनी माँ को एकदम स्वस्थ देख हुए बहुत खुश हो जाती है। वहाँ जब पहुंचकर बहू देखती है कि उसकी माँ हर षष्ठी का पूजा कर रही थी, तो बहू भी पूजा करने लगती है। फिर बाद में बोलती है, माँ ऐसे ऐसे सब हुआ। फिर माँ उधर राजा बहू अपने बहू के पुत्र को बलि दे देता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत ही सुंदर वर्षा हो जाती है, सारे तालाब कुएँ भर जाते हैं, पानी की कोई कमी नहीं रहती है। इधर बहू वहाँ से जब निकलती है कारों के साथ, तो रास्ते में आते वक्त बोलती है कारों से कि मुझे तालाब ले चलो। कहार बहुत मतलब विचलित हो जाते हैं कि अरे, यहाँ के तो तालाब कुएँ सब सूख चुके हैं, महारानी वहाँ क्यों जाना चाहती हैं।
फिर भी कहार वहाँ ले जाते हैं। तो जैसे ही तालाब में वो अपने चेहरे को धोती है, उसका पुत्र उसके पास आकर रोने लगता है। वो बहू बहुत चिंतित हो जाती है कि अरे मेरा पुत्र यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ कैसे आ गया, इधर कैसे आ गया। उसको लेकर कुछ फिर सोचती है चलो घर चल के पूछती हूँ। तो उसको लेकर अपने पुत्र को लेकर के जब घर पहुँचती है तो राजा अपने पोते को देख करके बहुत खुश होता है और एकदम मतलब असमंजस में पड़ जाता है कि अरे इसकी तो मैंने बलि दे दी थी, फिर कैसे ये जीवित हो गया। तब बहू उनसे बोलती है, पिताश्री आपने मुझसे ऐसे क्यों कहा कि मेरी माँ का तबीयत ख़राब है। जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरी माँ स्वस्थ भली थी और हलषष्ठी माता की पूजा कर रही थी। मैंने भी बैठ कर के पूजा पाठ किया फिर यहाँ आई। तो राजा बहुत खुश होते हैं और सोचने लगते हैं कि अरे ये तो हलषष्ठी माता की कृपा से संभव हो गया है, नहीं तो ऐसा संभव तो कभी नहीं हो सकता। राजा अपनी बहू से तुरंत क्षमा मांगते हैं, बोलते हैं बहू ये तेरी पूजा पाठ और कर्मों का फल है जो तेरा पुत्र ऐसे जीवित तेरी गोद में खेल रहा है। फिर तब बहू बोलती है कि पिताश्री ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसे बोल रहे हैं। तब राजा उनको सब बात बताते हैं तो बहू बहुत दुखी भी होती है और खुश भी होती है। बोलती है कि पिताश्री ऐसा किसी माँ के साथ मत करिएगा, वो तो मेरी हलषष्ठी माता की कृपा थी जो मेरा पुत्र मेरी गोद में खेल रहा है। इसी प्रकार से ये कहानी ख़त्म होती है। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। मैं आप लोग को बता दूं कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हलषष्ठी व्रत या हरछठ व्रत मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी आयु और उन्नति के लिए भी रखा जाता है। इस व्रत को ललई छठ भी कहते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो हलषष्ठी सावन पूर्णिमा के 6 दिन बाद मनाई जाती है। इस दिन खास वर्ग में किसान भी पूजा करते हैं। इस दिन हल मूसल और बैल को पूजा जाता है और इस दिन हल से जुते हुए सब्जियों और फलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, साथ ही हल का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। व्रत रखने वाली महिला उस दिन पसई धान की चावल और भैंस का दूध इस्तेमाल करती हैं। इस दिन गाय का दूध दही उपयोग में नहीं लाया जाता है। कहा जाता है कि जो महिला उस दिन व्रत रखती है उस दिन महुआ के दातुन से ही मुंह साफ करती है और इस व्रत का पारण भैंस की दूध से बनी दही और महुआ को पलाश के पत्ते पर रखकर ही खाया जाता है और यही पूजन की विधि है। मैं आप लोग को बता चुकी हूँ और हाँ, जो भी मैंने इसमें गलत कुछ बताया हो तो प्लीज़ कमेंट किया करिए। अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो लाइक तो दे ही दिया करिए, बहुत मेहनत करती हूँ भाई। और कैसे कैसे मैंने पूजा किया आप सबको दिखा ही रही हूँ। मुझे जो कहानी याद हुआ था उसको मैंने आप लोग को सुना दी। 6 कहानी थे, 6 कहानी बहुत अच्छे थे। इस पूजा को मैंने बहुत मन से किया। मैंने माँ से यही कहा कि माँ मेरे पुत्र को लंबी उम्र दो, मेरी बेटी को मतलब बहुत अच्छा जीवन दो, दोनों बच्चे मेरे खुश रहे हैं। मैं अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हीं के लिए सब व्रत वगैरह रखती हूँ। मेरे दोनों बच्चे सही सलामत रहें, बस यही विनती है माता से। अभी ये कैमरा जो हिल रहा है ना, बच्चे से वीडियो बनवा रही थी मैं,
मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा कैमरा वैमरा हिल रहा है। बच्चों से हेल्प ली, बच्चों ने बहुत हेल्प किया, खास करके अनुष्का, हमारे ही बिल्डिंग की एक लड़की है, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। जब तक हम लोग पूजा करते रहे तब तक उसने वीडियो बनाया, बहुत बड़ी बात है। बैठ के बना रही थी, खड़े होके बना रही थी, पूछिए मत। हम लोग सब लोग हंस रहे थे, ये तो एकदम कैमरा मैन ही बन गई है। बहुत हेल्प किया, इसके लिए थैंक यू अनुष्का। ये हमारा पूरा परिवार देखिए, सब बैठे हैं साथ में। ये हमारा पूजा बस सब ख़त्म ही हो गया, बस आरती बची थी। अब हम लोग आरती की तैयारी कर रहे हैं। कैमरा हिल रहा है, आरती होने लगी है अब। ये बस हमारी आरती हो गई, अब बस भगवान को प्रणाम करना बचा था। मैंने प्रणाम भी कर लिया, जितने चढ़ाने थे सब चढ़ा दिया भगवान को। दूध दही भी चढ़ाना था, उसको भी चढ़ाएंगे अभी। यही है अनुष्का जो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। ये हमारा परिवार है, ये हमारे बिल्डिंग की नीरू भाभी हैं। इनका भी बाबू आया था अगले साल, तो इस साल पूजा वूजा कर रही हैं। व्रत नहीं थी लेकिन पूजा कर रही हैं आके। ये हम लोग गाय का दूध दही चढ़ाएंगे, जो नाव को भरते हैं ना, आधे में दूध और आधे में दही। हम तीनों लोग भर लेंगे, बात बात से अभी कर रही है। ये पूजा हो गया। हम लोग इसको पंचकर्मा बोलते हैं, आप लोग के तरफ क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताइए। पंचकर्मा कर रहे थे राउंड राउंड घूम करके, पोखरा बना के पूजा किए हैं ना उसको। इतनी तेज हवा चल रही थी कि दिया बुझ जा रहा था, दिए को पकड़ के चलना पड़ रहा था। अभी बस पूजा हो गया, 5 या 7 बार लेने होते हैं, पंचकर्मा करना रहता है, पूरा कंप्लीट हो गया। वैसे भले ही कैमरा हिला रही है लेकिन सूट अच्छा किए है ना, बच्ची है तो बच्चे जैसे ही की है, लेकिन जो उसका करने का स्टाइल है सूट, वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने बाद में देखा हवन में, हवन सामग्री डाल के बस अब हो गया सब, पूजा पाठ पूजा हो गया।
कंप्लीट। बस उस पोखरे में पानी भरना बस बचा था, अब हम लोग मिल के भर देंगे। बोलते हैं कि इतना पानी भरना चाहिए कि बाहर बहने लगे, तो हम लोग भर रहे थे। एक औरत 5 लोटा या 7 लोटा डाल सकती है, तो हम लोग बाल्टी से ही भरना स्टार्ट कर देते हैं। बाल्टी से क्या है, जल्दी भर जाता है, ऊपर से पानी लाने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है, तो भर दिए इतना कि पानी बहने लगा। बस सूखते जा रहा था, तो बस एक बाल्टी और ये भाभी डाल दी, फिर एकदम कंप्लीट हो गया पूजा पाठ। बहुत अच्छा लगता है ना जब सब मिलके एक साथ पूजा वूजा करे या फिर सामूहिक पूजा हो, बहुत अच्छा लगता है। ये हम लोग का पूजा हो गया। बोलो हलषष्ठी माता की जय। चलिए अब चलते हैं दोस्तों, पूजा समाप्त हो गई, घर चलते हैं। घर चल के मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो आप सब अभी देख सकते हैं पूजा करके आ गई, अच्छे से पूजा बीता। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग खत्म करती हूँ। धन्यवाद। श्री राधे राधे।